कैलकुलस अगर आपको अपना स्ट्रॉन्ग करना है तो उसका बेसिक रिक्वायरमेंट ये है कि आप उसका जो फंडामेंटल्स है, मतलब कि जो फंक्शंस है, उसको अच्छे तरीके से समझिए। तो कैलकुलस में होता क्या है कि अगर आप लोग एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हो तो जो क्वेश्चंस आते हैं तो उसमें क्या रहेगा कि जो आपके बेसिक फंक्शंस हैं, तो मान लो हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हो गया सारा, साइन कॉस टैन सेक कॉसेक ये सब, फिर उसका सारा इन्वर्स, फिर उसके बाद एक्सपोनेंशियल, लोगारिथमिक, फिर मॉड एक्स, बॉक्स एक्स, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, सिग्नम एक्स, फिर हमारा लीनियर फंक्शन, क्वाड्रेटिक फंक्शन, फिर एक्स स्क्वायर, x4, x² एक्स क्यूब, फिर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स या फिर क्यूब रूट ऑफ एक्स, 1/x⁴m या फिर x + 1/x, ये सारा फंक्शंस लेंगे। फिर कुछ इसका कॉम्बिनेशन लगाएंगे कि कहीं से मॉड ऑफ एक्स हो गया, फिर मॉड ऑफ x-1 कर दिया, मॉड ऑफ x-2 कर दिया, 2 - मॉड ऑफ x-1, या फिर बॉक्स ऑफ x² कर दिया। तो ये सब सारा कॉम्बिनेशन लगा के फिर आप लोगों से पूछा जाए कि चलो इसका बताओ कि कहाँ पर फंक्शन कंटिन्यूस है या फिर कहाँ पर फंक्शन डिसकंटिन्यूस है या फिर कहाँ पर फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, या फिर ये फंक्शन को डिफरेंशिएट करो या फिर इंटीग्रेट करो। तो हर क्वेश्चन का जो बेस है वो आपका फंक्शन से ही डेवलप होता है। तो अगर आप लोग को बहुत अच्छा करना है अपना कैलकुलस, तो उसमें पहला जो रिक्वायरमेंट है कि आप ये सारा जितने भी बेसिक फंक्शंस हैं इनको अच्छे से समझिए। समझना मतलब क्या है कि आपको उसका ग्राफ पता होना चाहिए। ग्राफ जैसे ही पता हो गया तो ग्राफ से हम लोग क्या क्या एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, उसका डोमेन, डोमेन मतलब कि कहाँ, जैसे एक्स एक्सिस पे मान लो कि हम लोग सारा रियल नंबर्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो कौन कौन सा एक्स का वैल्यू के लिए आपको कोई इमेज मिल रहा है। तो जिस एक्स के लिए इमेज नहीं मिल रहा है तो फिर वो डोमेन से बाहर हो गया, है ना। फिर आपका रेंज कि वाई एक्सिस पर अगर पूरा सेट ऑफ रियल नंबर्स आ रहे हैं तो फिर कौन कौन सा वाई के लिए आपको प्री इमेज मिल रहा है, मतलब कि कौन कौन सा वैल्यू ऑफ वाई जो है वो फंक्शन आपका ले रहा है, तो वो सारा कलेक्शन आपका रेंज हो जाएगा। फिर आपका रूट्स, तो रूट्स में क्या है कि आपका y कहाँ पर ज़ीरो हो रहा है या फिर फंक्शन कहाँ पर ज़ीरो है, मतलब फंक्शन जहाँ पर भी एक्स एक्सिस को कट करेगा तो फिर वहाँ पर, मतलब वो x का जो वैल्यू होगा उसको हम लोग रूट कहेंगे, और फिर जितने बार कट करेगा एक्स एक्सिस को तो उसको हम लोग नंबर ऑफ़ रूट्स कहेंगे। फिर कोई मैक्सिमा वैल्यू डिफाइंड है क्या या फिर कोई मिनिमा वैल्यू डिफाइंड है क्या, और फिर फंक्शन पीरियोडिक है कि नहीं, मतलब कि कुछ टाइम के बाद या कुछ पीरियड के बाद फंक्शन का वैल्यू रिपीट हो रहा है कि नहीं। और फिर एसिम्प्टोट का भी आता है फंडा, लेकिन एसिम्प्टोट जब कोई फंक्शंस में हम लोग आएगा तब हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये सारा चीज़ जो है आप लोग को पता होना चाहिए। तो जैसे ही ये सब चीज़ पता रहेगा और फिर हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन भी देखेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ। तो मान लो मॉड एक्स का ग्राफ आता है तो फिर हम लोग मॉड ऑफ x-2 का ग्राफ बना सकते हैं या फिर मॉड x-2 का ग्राफ बना सकते हैं। तो ये सब सारा ट्रांसफॉर्मेशन भी हम लोग सीखेंगे। तो ये सब बहुत ही एसेंशियल स्किल्स हैं, और जिन बच्चों को ये सब चीज़ पता नहीं रहता है तो फिर वो लोग कैलकुलस में स्ट्रगल करते हैं, और फिर जिन बच्चों को ये सारा चीज़ पता चल जाता है तब फिर कैलकुलस मज़ा आना स्टार्ट हो जाता है। जैसे अगर आपको बॉक्स एक्स के बारे में नहीं पता है तो बॉक्स एक्स जैसे ही आपको दिखेगा या फिर इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स तो फिर ये देख के डर लगेगा, लेकिन जैसे ही आपको पता हो जाएगा ये फंक्शन के बारे में तो ये फंक्शन जो है देख के आप लोग को मज़ा आएगा कि अरे वाह, ये क्वेश्चन तो सॉल्व हो सकता है। तो आज का तो बेसिकली मैंने यहाँ पर जो फंक्शंस हैं इसको 4 पार्ट में मैंने यहाँ पे लिखा है। एक हमारा हो गया ट्रिगो, इन्वर्स ट्रिगो, सारा साइन कॉस टैन सेक कॉसेक कॉट, फिर सारा उनका इन्वर्स, तो ये एक पार्ट हो गया। फिर हमारा एक्सपोनेंशियल लोगारिथम हो गया, फिर ये सारा कि मॉड्यूलस ऑफ एक्स, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स या फिर इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स, फिर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, फिर सिग्नम ऑफ एक्स। तो ये सारे एक टाइप के फंक्शंस हो गए। फिर ये सारे कि x² x4, मतलब कि x का कोई भी इवन पावर या फिर x का ऑड पावर, फिर 1 उसका रेसिप्रोकल ले लो, मतलब 1/x²m, 1/x²m+1, या फिर कोई भी इवन रूट, मतलब x⁴ स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, या फिर x⁴ 1/4 या फिर 1/3 एंड सो ऑन। फिर हमारा क्वाड्रेटिक, फिर ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फंक्शन है IIT JEE के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये बहुत बार पूछा जाता है, अलग अलग, मतलब डायरेक्टली नहीं पूछा जाएगा लेकिन क्वेश्चन में कहीं छुपा रहेगा ये वाला फंक्शन, तो ये सारा भी हम लोग देखेंगे। तो आज के वीडियो में हम लोग मोस्टली ये सारा जो फंक्शंस है इसको कवर करेंगे, और फिर सब्सिक्वेंट वीडियोज़ में बाकी कॉन्सेप्ट्स, बाकी फंक्शंस को और कवर करेंगे, और फिर ट्रांसफॉर्मेशन कैसे करते हैं ये सारा चीज़ भी सीखेंगे। और आज के वीडियो में हम लोग पहले ये फंक्शंस देखेंगे क्या होता है, कैसे होता है, और फिर वीडियो के एंड में आप लोग को एक्सरसाइज प्रॉब्लम मिलेगा, और एक्सरसाइज प्रॉब्लम आप लोगों को खुद से अटेम्प्ट करना है। उसमें से 2-3 क्वेश्चंस ऐसे रहेंगे जो कि जेई मेंस लेवल के रहेंगे और वो आप लोगों से हो जाना चाहिए, और फिर और भी एक क्वेश्चन ऐसा रहेगा जो कि जेई एडवांस्ड लेवल का रहेगा, और वो क्वेश्चन अगर आप लोग करोगे तो फिर वो एक टाइप का क्वेश्चन होता है जो करने से मज़ा आ जाता है, मतलब लगता है कि हाँ पूरा चैप्टर आप लोग को समझ में आ गया तो उस टाइप का क्वेश्चन भी रहेगा, लेकिन वो सब वीडियो के एंड में। और ये जो वीडियो रहेगा ये दोनों जो जेईई मेंस की तैयारी कर रहे हैं, जो जेईई एडवांस की तैयारी कर रहे हैं, दोनों के लिए ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो होगा। अब ये फंक्शंस के डिटेल में जाने से पहले मैं एक क्वेश्चन आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहता हूँ जो कि जेईई मेंस में पूछा गया था, ताकि आप लोग को थोड़ा सा और फील आए कि क्यों फंक्शंस पढ़ना इतना ज़रूरी है और क्वेश्चंस कैसे सॉल्व कर सकते हैं इसके लिए। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था 7 जनवरी, अभी ये जो 2020 में जनवरी में जो एग्ज़ाम हुआ था 7 जनवरी जेईई मेंस 2020। तो इसमें क्या पूछा गया है कि फंक्शन यहाँ पे दे दिया गया है f(x) इज इक्वल टू mod of 2 माइनस mod of x माइनस 3, और फिर कह रहा है कि इफ़ दिस फंक्शन इज़ नॉन डिफरेंशिएबल इन x बिलोंग्स टू सम सेट S देन द वैल्यू ऑफ समेशन ऑफ f of x इज वेयर x बिलोंग्स टू S। ठीक है, तो पहले तो हमें ये जज करना है कि ये क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे कि नहीं करेंगे। तो मैं तो इसको सॉल्व करूंगा क्योंकि f(x) यहाँ पर आ गया mod of 2 माइनस mod of x माइनस 3, तो ये दिख रहा है कि ये फंक्शन को हम लोग बहुत आसानी से प्लॉट कर सकते हैं। फिर जैसे ही प्लॉट करेंगे तो मेरे को पता चल जाएगा कि कहाँ कहाँ पर डिफरेंशिएबल नहीं है, तो वहाँ से मुझे x मिल जाएगा। फिर जैसे ही x मिल गया तो यहाँ पर बस f(x) डालना है, फिर उसका f निकालना है। तो इसको जो है मैं आसान क्वेश्चन ही बोलूँगा, और मैं अगर ये करूँगा तो फर्स्ट गो में ही मैं इसको सॉल्व करूँगा। लेकिन बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे कि सीधा ये एक्सप्रेशन देखेंगे और फिर डर जाएंगे और फिर ये क्वेश्चन को छोड़ देंगे। लेकिन आप लोगों को कम से कम एक बार क्वेश्चन पढ़ लेना चाहिए, फिर जज करना चाहिए कि वो क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है कि नहीं करना है। तो देखते हैं कि कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं हम लोग। तो हमारे पास है f(x) इज इक्वल टू mod of 2 माइनस mod of x माइनस 3। तो इसमें आपका बेसिक फंक्शन क्या है? बेसिक फंक्शन आपका mod of x है ना। तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि स्टार्ट हम लोग करेंगे mod of x के ग्राफ से, फिर हम लोग ट्राई करेंगे कि यहाँ तक पहुँचे। ये अभी मैं बस एक एग्जांपल दे रहा हूँ आप लोग को कैसे करते हैं, बाद में हम लोग सिस्टमैटिकली ये सारा चीज़ देखेंगे कि ये सब ट्रांसफॉर्मेशन कैसे किया जाता है। तो ये हमारा mod x का ग्राफ हो गया। तो यहाँ पे पहले हम लोग को क्या चाहिए? x माइनस 3 चाहिए, है ना, mod of x माइनस 3। तो अगर mod x का पता है तो हम लोग को क्या ट्रांसफॉर्मेशन लगाना है कि x को हम लोग x माइनस 3 कर दें। तो जब भी ये करते हैं तो क्या हो जाता है, हमारा ग्राफ राइट में शिफ्ट हो जाता है। अगर x माइनस 3 कर रहे हैं तो फिर 3 से राइट में शिफ्ट हो जाता है, मतलब यहाँ पर। और ये सेंस भी लगा सकते हो कि पहले अगर x यहाँ पर 0 हो रहा था, 0 के लिए 0 हो रहा था, तो अब अगर x को 3 डालेंगे तब 3 माइनस 3 0 आएगा, है ना, तब यहाँ पर 0 होगा। तो ये जो ग्राफ है ये यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा ऐसे। और फिर जब भी ग्राफ ऐसे बनाते हो तो देख लिया करो कि y कहाँ पर कट कर रहा है। तो y कहाँ पर कट करेगा? x को 0 डालेंगे तो फिर ये 3 आ जाएगा। तो mod of x माइनस 3 आ गया। अब हमें क्या चाहिए? माइनस ऑफ mod of x माइनस 3। तो माइनस ऑफ mod of x माइनस 3, तो माइनस जैसे ही करेंगे तो ये ग्राफ नीचे पलट जाएगा। तो ये ग्राफ कुछ इस टाइप से आ जाएगा, ये जो 3 था ये माइनस 3 हो जाएगा। ये सब हम लोग सिस्टमेटिकली बाद में देखेंगे, अभी बस आप लोग को दिखा रहे हैं कि कितना आसान क्वेश्चन हो सकता है अगर आप लोग को ये सारा फंडा पता है तो। तो माइनस ऑफ mod of x माइनस 3 हो गया। अब क्या करना है? 2 माइनस mod of x माइनस 3, मतलब कि ये फंक्शन में आपको 2 ऐड कर देना है। तो 2 ऐड कर देना है मतलब क्या है कि ये जो फंक्शन है ये 2 यूनिट ऊपर उठ जाएगा। मतलब कि ये माइनस 3 था यहाँ पर तो ये माइनस 1 हो जाएगा, और फिर ये 3 पर अगर 0 था तो फिर ये उठ के आपका 2 हो जाएगा। और फिर ये दोनों पॉइंट पर x एक्सिस को कट कर रहा है, तो ये दोनों का भी हम लोग कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे। तो ये कहाँ पर आपका फंक्शन 0 होगा? तो 2 माइनस, यहाँ पर अगर 2 आ जाए मतलब mod of x माइनस 3 आपका 2 होना चाहिए। तो x अगर 1 हो गया तो mod of 1 माइनस 3 आपका माइनस 2, है ना। तो 2 माइनस 2 आपका 0, तो फिर ये 1 हो गया। और फिर ये वाला अगर 5 माइनस 3 2, तो 2 माइनस 2 आपका 0। तो ये पॉइंट हो गया 1, ये पॉइंट हो गया 5। तो हम लोग यहाँ तक पहुँच गए, 2 माइनस mod of x माइनस 3। तो अब जैसे ही यहाँ तक पहुँच गया अब क्या करना है? इसका mod लेना है। तो जैसे ये फंक्शन का mod लेंगे तो जो भी पार्ट नीचे है ग्राफ के, है ना, x एक्सिस के जो भी नीचे है वो उठ के आपका ऊपर आ जाएगा, वो उठ के ऊपर आ जाएगा। तो एंड में जो आपका फंक्शन दिखेगा वो कुछ इस टाइप का फंक्शन दिखेगा। और ये अभी जिन लोगों को नहीं पता होगा उन लोग को लग रहा होगा अरे भाई क्या सब कर रहे हैं, लेकिन एक बार जब पता चल जाएगा, हम लोग सिस्टमेटिकली पढ़ लेंगे ये सारा ट्रांसफॉर्मेशन, तो फिर ये स्टेप आप लोग within seconds कर सकते हो, मतलब बहुत जल्दी कर सकते हो ये सारे स्टेप। तो अब यहाँ से हम लोग को क्या दिख गया कि ये y एक्सिस को यहाँ पर कट कर रहा है 1 पे, फिर ये x इज इक्वल टू 1 पे ये 0 हो रहा है, फिर x इज इक्वल टू 3 पे ये 2 ले रहा है ना, यहाँ पे 2 था ये 2 ले रहा है। फिर उसके बाद यहाँ पर 5 पर ये 0 हो रहा है, और फिर यहाँ से फिर ये जा रहा है। अब हम लोग को बोला है कि कहाँ पर डिफरेंशिएबल नहीं है। तो डिफरेंशिएबल नहीं है मतलब क्या कि बहुत एक शार्प टर्न होना चाहिए, है ना। जैसे ये इस पॉइंट पर देखोगे तो अगर लेफ्ट साइड से देखोगे तो ये जो है ये वाला लाइन, तो इसका स्लोप करीब -1 होगा, है ना। और ये वाला जो लाइन है करीब नहीं बल्कि एग्जैक्टली होगा -1, और ये वाला जो लाइन होगा इसका स्लोप क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये कैसे पता चल रहा है, ये डिस्टेंस 2 है, ये डिस्टेंस 2 है, तो 2/2 आपका 1 होना चाहिए tan थीटा अगर लोगे तो स्लोप आपका 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि -1 से 1 पर एकदम ड्रास्टिकली चेंज हो रहा है, तो ये वाला क्या हो गया कि ये पॉइंट पर डिफ्रेंशिएबल नहीं है। सिमिलरली यहाँ पर 1 है, फिर यहाँ पर -1 हो जाएगा स्लोप, तो ये वाला जो पॉइंट है यहाँ पर भी डिफरेंशिएबल नहीं है, मतलब x=3 पर डिफरेंशिएबल नहीं है। फिर यहाँ पर भी शार्प टर्न हो रहा है, तो x=5 पर डिफरेंशिएबल नहीं है। तो ये जो सेट S था इसमें क्या क्या एलिमेंट्स हो जाएंगे, 1, 3, 5। तो बस क्वेश्चन अब सॉल्व हो गया। अब हमें क्या निकालना है कि f of x इसका सम, मतलब f of 1 प्लस f of 3 प्लस f of 5। तो f of 1 क्या हो जाएगा, 0 दिख रहा है यहाँ पर, तो 0 हो गया। f of 3 क्या हो जाएगा, 2, तो f of 2 प्लस फिर f of 5 क्या हो जाएगा, f of 0। फिर f of 0 क्या है आपका, तो f of 0 1 है, तो f of 0 1 आ गया। f of 2, तो f of 2 निकालना है, तो 2 अगर यहाँ पर डालेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 - 3 आपका -1, तो मॉड ऑफ -1 1, तो 2 - 1 1, तो f of 2 जो है वो भी 1 आ जाएगा। फिर f of 0 फिर से, तो f of 0 फिर से 1, तो 1 + 1 + 1 आपका 3। तो ये शायद आपका वो वाला क्वेश्चन था न्यूमेरिकल वैल्यू बेस्ड, तो फिर वहाँ पर आप लोग 3 क्लिक करके एंटर कर सकते हो। तो देख सकते हो कि अगर ग्राफ्स पता है तो फिर काफ़ी सारे क्वेश्चंस में बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हो। और फिर ये नहीं है कि आप लोग हर क्वेश्चन जहाँ पर भी अगर फंक्शंस आ गया तो फिर ग्राफ से सॉल्व कर सकते हो, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चंस में क्या होता है कि आप लोग को एक नया पर्सपेक्टिव मिल सकता है कि इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप लोग उस क्वेश्चन को देख सकते हो या फिर उस फंक्शंस को इंटरप्रेट कर सकते हो। तो हम लोग पहला स्टार्ट करते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। और फिर और एक चीज़ क्या है कि अगर ग्राफ आप लोग को पता है तो फिर कैलकुलस का कोई भी क्वेश्चन है तो जनरली आप लोग 2-3 तरीके से सेम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो उतना फ्लेक्सिबिलिटी आप में होना चाहिए कि आप लोग को उतना तरीका सारे आते हो पहले से, ताकि एग्ज़ाम में जो भी आपको चमक गया तो फिर वो अप्रोच लेके आप लोग सॉल्व कर सकते हो। या फिर जो भी सबसे आप लोग को लग रहा है कि सबसे जल्दी सॉल्व कर देगा तो फिर वो लेके, वो मेथड लेके आप लोग सॉल्व कर सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला फंक्शन है हमारे पास ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो इसको हम लोग इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं बॉक्स x, मतलब कि ये बिग ब्रैकेट हम लोग यहाँ पर लेते हैं और फिर जो भी फंक्शन जो भी यहाँ पर है x उसको यहाँ पर डाल देंगे। तो y = f(x) = बॉक्स x। तो इसको आप कहते क्या क्या है, इंटीग्रल पार्ट ऑफ x, मतलब कि ये x का जो भी इंटीग्रल पार्ट होगा वो कह सकते हैं। तो अलग अलग नाम है सेम फंक्शन का, तो इंटीग्रल पार्ट ऑफ x या फिर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। तो इसको और अच्छे से अगर कहें तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, x। ग्रेटेस्ट इंटीजर x। ये अभी हम लोग समझेंगे थोड़ा डिटेल में जब एग्जाम्पल देखेंगे। या फिर इसको बॉक्स एक्स भी कहते हैं। तो ये अलग अलग नाम है सेम फंक्शन का। तो अब ये फंक्शन जैसे यहाँ पर नाम कह रहा है तो ये करता क्या है कि मान लो हम लोग बॉक्स ऑफ 6.2 ले रहे हैं, तो इसका इंटीग्रल पार्ट क्या है, तो 6.2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 6 + 0.2। तो इसमें इंटीग्रल पार्ट क्या है, 6, तो यहाँ पर 6 आ जाएगा। तो एक ये तरीका हो गया इसको देखने का। दूसरा तरीका क्या है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर x। तो हमेशा इसको एक नंबर लाइन में सोचा करो। तो नंबर लाइन में क्या होगा कि ये 6.2 यहाँ पर है, इससे पहले इंटीजर कौन सा आएगा, 6, इसके बाद में इंटीजर कौन सा आएगा, 7। तो ये क्या कह रहा है, ग्रेटेस्ट इंटीजर x। तो =6.2 तो कोई इंटीजर नहीं है, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, लेस देन में जाएंगे। तो इससे छोटा इंटीजर कौन सा है, 6, तो फिर यहाँ पर 6 आ जाएगा। बहुत सारे बच्चे यहाँ पर गलती क्या करते हैं कि जैसे ही ग्रेटेस्ट पढ़ा तो फिर इससे ग्रेटर क्या हो गया, 7, तो फिर 7 डाल देंगे यहाँ पर। लेकिन क्या कह रहा है, ग्रेटेस्ट इंटीजर x। तो अगर ये खुद इंटीजर है आपका x, तो मान लो बॉक्स ऑफ 6 निकाल रहे हैं, तो 6 में क्या हो गया, ये खुद इंटीजर हो गया, तो आपका बॉक्स x भी यही हो गया, है ना, x हो गया। लेकिन जब भी ये इंटीजर नहीं है, तो मान लो 6.2 है, तो इससे पहले जो भी इंटीजर आ रहा है, जो भी इसका नज़दीकी इंटीजर है, तो वो 6, ग्रेटेस्ट इंटीजर x। ठीक है। तो गलती नहीं करना है ये सब कि 6.2 है, बॉक्स निकालना है, तो उसका 7 निकाल दिया। 7 के लिए अलग से एक फंक्शन आता है लीस्ट इंटीजर फंक्शन, लेकिन वो अभी हम लोग कवर नहीं कर रहे हैं, क्योंकि मोस्टली मैंने जितना क्वेश्चंस देखा है वो जनरली ग्रेटेस्ट इंटीजर से पूछा जाता है। तो एसेंशियली ये कर क्या रहा है, इंटीजर पार्ट आपको दे रहा है, इंटीग्रल पार्ट दे रहा है नंबर का। तो बॉक्स ऑफ 6 आपका 6। फिर और कुछ एग्जांपल देखते हैं, बॉक्स ऑफ 6.99999। तो इसमें सोचो कि नंबर लाइन में हमेशा सोचोगे तो गलती नहीं करोगे। तो 6.999 मतलब क्या कि ऑलमोस्ट 7 के पास इस तरफ रहेगा और फिर इससे पहले कौन सा आएगा 6, लेकिन ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू एक्स। तो ये खुद अगर इंटीजर नहीं है तो इससे पहले जो भी इंटीजर आता है वो, तो ये फिर से आपका क्या हो जाएगा 6। तो इसको ऐसे भी सोच सकते हो कि 6 + 0.999 है ना, तो फिर यहाँ से इंटीग्रल पार्ट आ जाएगा 6। ठीक है, यहाँ पर ये नहीं गलती करना है कि यहाँ पर 7 लिख दिया आप लोगों ने। फिर सिमिलरली मान लो बॉक्स ऑफ 0.4, तो फिर से इंटीग्रल पार्ट, फिर से यहाँ पर ये नंबर लाइन में देखते हैं कि 0.4 यहाँ पर होगा, 0.4 से पहले कौन सा आ रहा है इंटीजर 0, क्योंकि ये 0.4 खुद इंटीजर नहीं है तो इससे पहले जो भी इंटीजर आ रहा है उसको हम लोग चेक करेंगे। अब नेगेटिव में बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं। तो बॉक्स ऑफ -2.7, तो फिर से नंबर लाइन में यहाँ पर बनाओ तो -2.7, तो -2.7 क्या है, खुद इंटीजर नहीं है तो इससे पहले जो भी इंटीजर आएगा है ना, नज़दीकी जो भी इंटीजर आएगा तो इससे पहले कौन सा आएगा -3, तो यहाँ पर -3 हो जाएगा। बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे कि जैसे यहाँ पर पॉजिटिव में हम लोग करते थे, बॉक्स ऑफ 6.2 है, यहाँ पर 6 दिख रहा है तो 6 डाल दिया। फिर -2.7 है तो बॉक्स ऑफ -2.7 यहाँ पर -2 डाल दिया, लेकिन वो नहीं करना है। -2.7 से पहले है ना ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू एक्स, मतलब वो लेस देन होना चाहिए अगर ये इंटीजर नहीं है खुद तो। ठीक है, तो यहाँ पर -3 हो जाएगा। अब यहाँ पर बच्चे क्या बोलेंगे कि इसको मैं लिख दूंगा इस तरीके से -2 - 0.7, तो यहाँ पर तो इंटीग्रल पार्ट -2 आ गया तो -2 लिख देंगे, लेकिन ये गलत तरीका है सोचने का। इसको अगर लिखना है तो हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं कि -3 + 0.3। ये वाला जो फ्रैक्शनल पार्ट है ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा, 0 से 1 के बीच में रहेगा। ये अभी नेक्स्ट फंक्शन आएगा फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। तो हमेशा अगर इस टाइप से सोचना है तो फिर ये वाला जो फ्रैक्शनल पार्ट है इसको 0 से ऊपर रखना है, 0 और 1 के बीच में। तो -3 + 0.3, तो यहाँ से इंटीग्रल पार्ट आप लोग कह सकते हो कि -3 है। फिर यहाँ पर -2.99, तो -2.99 मतलब यहाँ कहीं तो इससे पहले नज़दीकी इंटीजर, तो -3। फिर बॉक्स ऑफ अगर -2 है तो -2 में ये नहीं करना है कि -2 से पहले कौन सा इंटीजर आ रहा है, -2 खुद एक इंटीजर है तो फिर यहाँ पर सीधा ये इंटीजर आ जाएगा। ठीक है, तो ये सारा एग्जांपल देखिए, फिर खुद से सोचिए, नया नया नंबर लेके सोचिए। मान लो -3.55 या फिर -6.78 जो भी आपको लेना है, और फिर उसका आप लोग इंटीग्रल पार्ट लिख सकते हो इस तरीके से। तो जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आसान लगना स्टार्ट हो जाएगा, और नंबर लाइन में सोचोगे तो कभी गलती नहीं करोगे। और कुछ देखते हैं, बॉक्स ऑफ पाई। तो पाई आपका क्या होगा 3.1416, तो 3.1416 मतलब क्या कि 3 यहाँ पर होगा, पाई यहाँ पर कहीं होगा, तो फिर पाई से पहले, तो बॉक्स ऑफ पाई आपका 3 आ जाएगा। फिर बॉक्स ऑफ ई आपका क्या है 2.7 something, तो फिर इसका 2 आ जाएगा। फिर बॉक्स ऑफ -पाई लेना है, तो -पाई मतलब क्या -3 point something, तो उससे पहले क्या आएगा -4, तो ये -4। यहाँ पर ये नहीं कि -3 लिख दिया। अब इसका हम लोग ग्राफ प्लॉट करते हैं, तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि x अगर 0 से 1 के बीच में है ना, x अगर 0 से 1 के बीच में है तो जो आपका बॉक्स x होगा वो क्या होगा, तो अगर x 0 है तब तो फिर ये 0 हो जाएगा है ना। अगर x 0.5 है तो नंबर लाइन पर सोचो कि ये हमारा 0 है, तो x अगर 0 है तब तो फिर ये भी 0 हो जाएगा। x अगर 0.1 है तब भी ये 0 होगा, 0.2 है, 0.3 है, जो भी है, मतलब 0 से लेकर अगर 1 तक के बीच में ये लाई कर रहा है तब बॉक्स x आपका 0 होगा। और फिर जैसे ही 1 पे हम लोग आ जाएंगे तो 1 पे क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा बॉक्स x है ना। तो x अगर फिर 1 से लेके 2 तक, यहाँ पर ये देखो, मैं ध्यान से यहाँ पर लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू लिख रहा हूँ कि 0 के इक्वल भी हो सकता है, 1 के इक्वल भी हो सकता है, लेकिन 1 से स्ट्रिक्टली लेस है यहाँ पर, और यहाँ पर 2 से लेस है तो फिर ये 1 होगा। तो ये वाला रीजन में देखो, तो अगर यहाँ पर हम लोग क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि ये जो आपका राउंड या फिर फील्ड सर्कल है, तो फील्ड सर्कल मतलब ये वाला पॉइंट इंक्लूडेड है, मतलब कि 0 पर 0 हो रहा है, ये नहीं कि -1। ये ओपन सर्कल है, ओपन सर्कल मतलब कि ये वाला पॉइंट इंक्लूडेड नहीं है। तो 0 पर क्या हो रहा है, अगर x 0 है तो फिर हमारा बॉक्स x क्या है 0। फिर मान लो 0.5 ले रहे हैं x का वैल्यू, तो बॉक्स x क्या हो जाएगा फिर से 0, तो मतलब 0 से 1 तक ये क्या होगा, ये 0 ही रहेगा। तो इसको हम लोग यहाँ पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि 0 रहेगा। फिर 1 पर क्या हो जाएगा कि 1 जैसे ही हुआ तो बॉक्स x क्या हो जाएगा 1 है ना, तो 1 पर ये 1 लेगा, इसलिए यहाँ पर ओपन सर्कल है। ओपन सर्कल मतलब ये वाला पॉइंट इंक्लूडेड नहीं है, तो यहाँ पर ये 1 हो जाएगा। फिर 1 से मान लो 1.5, तो फिर बॉक्स ऑफ 1.5 क्या हो जाएगा फिर से 1, तो फिर 1 से लेके 2 के बीच में जो भी आप वैल्यू ले लो यहाँ पर, तो आपको फिर से यहाँ पर 1 मिल जाएगा। फिर जैसे ही 2 आएगा तो 2 पे ये जंप मारेगा, फिर से ये 2 हो जाएगा, यहाँ पर ओपन सर्कल है ना। फिर से 2 से 3 के बीच में ये 2 रहेगा आपका। फिर 3 पर ये 3 पे चला जाएगा, 3 से 4 के बीच में 3 रहेगा, फिर 4 पे जंप मारेगा, 4 पे पहुँच जाएगा, फिर 4 से लेके 5 के बीच में ये रहेगा, और फिर ये वाला जो है कंटिन्यू होते रहेगा। नेगेटिव पार्ट में क्या हो रहा है, अगर -1 है तब तो -1 होगा है ना, यहाँ पर सोचो अगर -1 है तब तो -1 होगा, -1 से थोड़ा सा बड़ा मान लो, मतलब कि -0.9 मान लो, तो बॉक्स ऑफ -0.9 क्या हो जाएगा फिर से -1 है ना। तो -1 से लेके 0 तक कुछ भी है तो वो क्या -1 पे होगा, और फिर जैसे 0 पे पहुँचेंगे तो 0 यहाँ पर आ जाएगा। अब -2 है तो फिर -2 होगा, फिर -2 से -1 के बीच मान लो -1.5, तो फिर से क्या आ जाएगा बॉक्स x -2, तो ये -2 पे मैप हो जाएगा। तो -2 से -1 के बीच में अगर x है तो फिर ये -2 पे मैप हो जाएगा है ना, और जैसे -1 पहुँचेगा तो ये फिर से यहाँ पर -1 हो जाएगा। सिमिलरली -3 से -2 के बीच में तो फिर ये -3 पे मैप होगा, ठीक है। तो इस तरीके से जो है ग्राफ हम लोग को नज़र आ जाएगा। अब इसका देखते हैं, ग्राफ तो हम लोगों ने प्लॉट कर लिया, अब डोमेन क्या है इसका। तो डोमेन के लिए हम लोग चेक करेंगे x एक्सिस पे जो पूरा सेट ऑफ रियल नंबर r हम लोगों ने रिप्रेजेंट किया है, तो कोई वैसा वैल्यू है जिसके करस्पॉन्डिंग हम लोग को इमेज नहीं मिल रहा है। तो देखते हैं, पहले इंटीजर वाला देखते हैं। तो 0 पर क्या है 0 है, 1 पर 1 है, 2 पर 2 है, 3 पे मैप हो रहा है, 4 पे मैप हो रहा है। तो इंटीजर्स तो -1 पे, -2 पे, -3 पे, तो इंटीजर पे हम लोग को वैल्यू मिल रहा है। फिर कोई भी नॉन इंटीजर वैल्यू ले लो, मतलब कि 1 और 2 के बीच में मान लो कोई भी ले लो, तो वो 1 पे मैप हो रहा है, 2 और 3 के बीच में वो 2 पे मैप हो रहा है, 3 और 4 के बीच में वो 3 पे मैप हो रहा है। तो मतलब जितना भी आप लोग यहाँ पर रियल नंबर जो भी x का वैल्यू ले सकते हो सब के लिए डिफाइंड है ना, मतलब कोई ना कोई इमेज मिल रहा है, ऐसा कोई भी नहीं है कि जहाँ पर डिफाइंड नहीं है। बहुत सारे बच्चे यहाँ पर क्या करेंगे कि 1 पर यहाँ पर ओपन सर्कल दिख रहा है तो बोलेंगे कि 1 पर डिफाइंड नहीं है, लेकिन 1 पर यहाँ पर तो क्लोज सर्कल है ना, तो 1 पर डिफाइंड है। तो डोमेन क्या हो गया, पूरा सेट ऑफ रियल नंबर r हो गया, ठीक है। अब आपका रेंज क्या है, अब रेंज देखने के लिए हम लोग को y एक्सेस, तो हमेशा डोमेन के लिए x एक्सेस देखना है और फिर रेंज के लिए हमारा y एक्सेस पे देखेंगे कि कौन कौन सा वैल्यू ले रहा है, कौन कौन सा वैल्यू नहीं ले रहा है। तो पहले इंटीजर देखते हैं, तो मान लो कि 1 y इज़ इक्वल टू 1, तो इसके लिए तो हमारा यहाँ पर प्री इमेज हम लोग को मिल जाएगा है ना, जो भी x आपका 1 और 2 के बीच में इंक्लूडिंग 1 है ना, तो 1 के करस्पॉन्डिंग प्री इमेज आ जाएगा, 2 के करस्पॉन्डिंग प्री इमेज आ जाएगा, 3 के करस्पॉन्डिंग प्री इमेज आएगा, 4 के करस्पॉन्डिंग प्री इमेज आ जाएगा, -1 के करस्पॉन्डिंग आ जाएगा, -2 के करस्पॉन्डिंग आ जाएगा है ना। तो सारे इंटीजर तो ले रहा है फंक्शन आपका वैल्यू, लेकिन अगर मैं 3.5 कहता हूँ तो 3.5 के करस्पॉन्डिंग कोई भी यहाँ पर x नहीं है है ना, कोई भी उसका प्री इमेज नहीं है। या फिर 2.1, तो 2.1 के करस्पॉन्डिंग कोई भी आपका यहाँ पर प्री इमेज नहीं है है ना। तो ये फंक्शन क्या कर रहा है, बस इंटीजर वैल्यू ले रहा है। तो रेंज इसका क्या हो गया आपका इंटीजर है ना, सारा नेगेटिव इंटीजर्स 0, फिर ये सारा पॉजिटिव इंटीजर्स, ये सारा इंटीजर, तो रेंज इसका क्या हो गया इंटीजर। अब रूट क्या है, रूट का मतलब ये है कि फंक्शन कहाँ पर 0 हो रहा है। तो फंक्शन तो अगर x 0 से लेके 1 तक है तो ये पूरा इंटरवल में जो है आपका जो फंक्शन है वो 0 है। तो रूट्स क्या है, अगर नंबर ऑफ़ रूट्स पूछे तो क्या इनफाइनाइट नंबर ऑफ़ रूट्स हो गए, क्योंकि यहाँ पर इनफाइनाइट नंबर ऑफ़ पॉइंट्स हैं, तो फिर इनफाइनाइट नंबर ऑफ़ रूट्स हो गया। और रूट का अगर इंटरवल पूछा गया तो x बिलोंगिंग टू 0 टू 1 है ना, तो ये रूट हो गया। मैक्सिमा, तो मैक्सिमा डिफाइंड नहीं है, जैसे जैसे ये इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा ये भी इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा। अब बहुत सारे बच्चे क्या कहेंगे कि मैक्सिमा इनफाइनाइट हो गया, तो इनफाइनाइट कोई नंबर नहीं है, इनफाइनाइट बस एक कॉन्सेप्ट है कि आप जो भी बड़ा नंबर सोचो उससे भी बड़ा। मान लो कि आपने 1 लाख सोचा तो उससे भी बड़ा 10 लाख, या फिर उससे भी बड़ा, मतलब जितना भी आप बड़ा सोचो उससे भी बड़ा, तो उसी को इनफाइनाइट कहते हैं। तो ये नहीं कहना है कि मैक्सिमा इनफाइनाइट हो गया, मैक्सिमा अनडिफाइंड है, मिनिमा भी अनडिफाइंड है, मतलब जितना भी छोटा नंबर आप सोचो ये उससे भी छोटा नंबर ले सकता है, तो मिनिमा भी आपका अनडिफाइंड हो गया। पीरियोडिसिटी, तो वैल्यू तो रिपीट नहीं हो रहा है, जीरो बस यहाँ पर है, इसके बाद फिर रिपीट नहीं हो रहा है, तो पीरियोडिक भी नहीं है, ठीक है। तो ये सारा चीज़ जो है हम लोग इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। और प्लीज़ आप लोग एक पेन और पेपर लेके बैठिए और साथ में नोट्स बनाते जाइए। बहुत सारे बच्चे ये बोल रहे हैं कि इनका पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड कर दो, ये कर दो, वो कर दो, तो पीडीएफ नोट्स आप लोग को प्रोवाइड मैं इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये सारे चीज़ तो बुक्स में है ही। अगर आप कोई भी सेंगेज का बुक उठा लो, अरिहंत का उठा लो, टीएमएस का उठा लो, तो सारे ये सब चीज़ दिया ही रहेगा। तो ज़रूरी चीज़ ये है कि आप लोग को समझ में आना चाहिए ये सारा चीज़। तो आप लोग पेन और पेपर लेके बैठो, नोटबुक लेके बैठो और साथ में नोट्स बनाते जाओ। कहीं पर भी समझ में नहीं आए तो वीडियो को पॉज करो, रिवाइंड करो, फिर से देखो, फिर से उस चीज़ को समझो और फिर नोट्स बनाते जाओ। और जहाँ पर भी क्वेश्चंस दिया जा रहा है तो वीडियो को पॉज करो, पहले खुद से ट्राई करो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, फिर जो एंड में एक्सरसाइज प्रॉब्लम मिलेगा वो सारा क्वेश्चन खुद से सॉल्व करो, कमेंट्स में आंसर लिखो। तो ये सारा चीज़ करोगे तभी सीखोगे। अगर ये सारा चीज़ नहीं करोगे, आप खुद से टाइम नहीं दोगे, बस वीडियो देखते जाओगे, तो फिर आप लोग सीख नहीं पाओगे। तो इसीलिए मैं पीडीएफ नोट्स भी इसीलिए प्रोवाइड नहीं कर रहा हूँ क्योंकि जब नोट्स बनाओगे तब आप लोग अपने आप सीखते रहोगे ये सारा चीज़। अब नेक्स्ट आते हैं फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन पे। तो फ्रैक्शनल पार्ट बस आपका जो अभी हम लोगों ने इंटीग्रल पार्ट देखा था तो उसी से रिलेटेड है। तो मान लो इसको तो पहले रिप्रेजेंट हम लोग कैसे करते हैं, इस तरीके से कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, तो इस तरीके से फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, ये कर्ली ब्रैकेट जो होता है, तो वाई इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। तो एक सीधा एग्जाम्पल देखते हैं। तो 6.2 जो हम लोगों ने देखा था, तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया था, 6 + 0.2। तो इसमें क्या हो गया था, ये 6 आपका इंटीग्रल पार्ट हो गया, ये 0.2 आपका फ्रैक्शनल पार्ट हो गया। तो इसको हम लोग जनरल केस लिख सकते हैं कि अगर हम लोग कोई भी नंबर ले रहे हैं x, तो उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, उसका इंटीग्रल पार्ट, तो बॉक्स ऑफ x प्लस फिर उसका फ्रैक्शनल पार्ट, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। तो यहाँ से क्या आ गया, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x क्या आ गया, x माइनस बॉक्स ऑफ x। तो अगर आप x लोगे और उससे आप उसका इंटीग्रल पार्ट सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो आपको फ्रैक्शनल पार्ट मिल जाएगा। अब यहाँ पर सोचने वाली क्या बात है कि हम लोगों ने फ्रैक्शनल ये इंटीग्रल पार्ट ऑफ x को कैसे डिफाइन किया था कि ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू x। तो ये जो बॉक्स x है ये हमेशा या तो लेस देन होगा या तो इक्वल टू x होगा। इक्वल कब होगा, अगर x आपका इंटीजर हो गया तब ये इक्वल हो जाएगा बॉक्स x। तो इसको नंबर लाइन में अगर रिप्रेजेंट करें तो x अगर इंटीजर है तब तो बॉक्स x वहीं पर होगा, है ना, तब ये इक्वल हो जाएगा, तब ये क्या हो जाएगा, फ्रैक्शनल पार्ट 0 हो जाएगा। अगर x इंटीजर नहीं है, अगर x इंटीजर नहीं है तो फिर क्या होगा, अगर ये हमारा x है तो फिर बॉक्स x यहाँ पर कहीं होगा, है ना, जो भी इंटीजर यहाँ पर है, मान लो ये 6.2 है तो ये 6 हो जाएगा, तो उसमें क्या हो जाएगा 0.2। तो ये दोनों के बीच में जो भी डिस्टेंस है, मतलब जो कि आपका नंबर है x और फिर ये बॉक्स x के बीच में जो भी डिस्टेंस है, तो उसको हम लोग फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x की तरह सोच सकते हैं, ठीक है। तो ये ऑब्वियसली यहाँ से दिख रहा है कि ये कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, ये या तो 0 हो जाएगा या फिर 1 के बीच में, 0 से लेके 1 के बीच में ये लाई करेगा। तो इसको हम लोग इस तरीके से भी सोच सकते हैं कि डिस्टेंस बिटवीन नंबर एंड इट्स इंटीग्रल पार्ट, मतलब कि x माइनस बॉक्स x। कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। तो जैसे जैसे एग्जाम्पल सॉल्व करते जाओगे वैसे वैसे और क्लियर होते जाएगा फंडा। तो मान लो हमारे पास नंबर है x इज इक्वल टू 2.7, तो 2.7 को हम लोग किस तरीके से सोच सकते हैं, 2 + 0.7। तो नंबर लाइन पर सोचेंगे तो ये 2.7 हो गया, तो 2 + 0.7। तो इसमें क्या हो जाएगा, ये वाला 0.7 जो है ये हमारा फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x हो जाएगा, है ना, और इंटीग्रल पार्ट क्या था 2, तो बॉक्स ऑफ 2.7 2 हो गया और फिर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 2.7 आपका 0.7, फिर बॉक्स ऑफ 2 आपका 2, है ना, अगर 2 पर है एग्जैक्टली तो बॉक्स ऑफ 2 2 हो जाएगा, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 2 आपका 0, ठीक है। अब फिर से नेगेटिव में बच्चे गलती कर सकते हैं। तो नेगेटिव में क्या करेंगे कि x इज इक्वल टू -6.7, तो -6.7। तो अब आप लोग हमेशा अगर इस तरीके से सोचोगे नंबर लाइन में कि ये -6.7 है तो इससे पहले क्या आ रहा है, -7, तो -7 + 0.3, तो -7 + 0.3। तो अगर इस तरीके से सोचोगे तो सीधा यहाँ पे लिख सकते हो बॉक्स x आपका क्या हो जाएगा -7 और फिर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x आपका क्या हो जाएगा 0.3, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ -6.7 0.3। अब यहाँ पर बच्चे क्या करेंगे, इसको ऐसे सोचेंगे कि -6 -0.7 तो ये गलत है। क्यों? क्योंकि -6 जो है इसका इंटीग्रल पार्ट नहीं है। इसका इंटीग्रल पार्ट क्या है? -7। तो -7 प्लस 0.3 और ये फ्रैक्शनल पार्ट हमेशा आपका 0 से लेके 1 के बीच में रहेगा। ठीक है, इंक्लूडिंग 0 एक्सक्लूडिंग 1, मतलब फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x जो है आपका 0 से लेके 1 के बीच में रहेगा इस तरीके से। ठीक है, तो ये वाला गलती नहीं करना है हम लोग को। तो इसमें शॉर्टकट में क्या सोच सकते हो कि अगर पॉजिटिव है यहाँ पर इंटीग्रल सॉरी फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 2.7 तो सीधा ये 0.7 उठा के लिख सकते हैं। अगर नेगेटिव है तो इंटीग्रल पार्ट ऑफ -6.7 है तो फिर 1 माइनस 0.7 0.3, तो उस तरीके से यहाँ पर सोच सकते हो। ठीक है, तो मान लो कि इस तरीके से कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ -6.3, तो यहाँ पर क्या करना है 1 माइनस 0.3 0.7। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 6.3 अगर पूछा जाता तो सीधा 0.3 लिख सकते हैं। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ -3.3 तो फिर 1 माइनस, क्योंकि ये नेगेटिव है तो 1 माइनस 0.3 0.7। या फिर इसको हमेशा नंबर लाइन में सोचोगे तो कभी गलती नहीं करोगे। -3.3 है तो ये आपका -3.3 हो गया, तो इससे पहले कौन सा इंटीजर आ रहा है? -4, तो -4 प्लस 0.7 इज इक्वल टू -3.3, तो फिर फ्रैक्शनल पार्ट आपका 0.7। सिमिलरली सोचो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ पाई, तो यहाँ पर अगर आप लोग इस तरीके से सोचोगे कि 3.1416 ये सारा चीज़ अगर आप बताने जाओगे तो फ्रैक्शनल पार्ट क्या होगा? वो 0.1416, लेकिन वो चलते जाएगा तो वो सारा लिख नहीं पाओगे। तो इसको एग्जैक्टली अगर लिखना है तो कैसे लिख सकते हैं कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ पाई क्या होगा कि आप पाई लो और फिर पाई में से आप 3 को सब्ट्रैक्ट कर दो या फिर उसका जो इंटीग्रल पार्ट है उसको सब्ट्रैक्ट कर दो, है ना। पाई मतलब क्या कि पाई यहाँ पर है तो उससे पहले 3, तो हम लोग को क्या चाहिए? ये चाहिए फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ पाई, मतलब पाई -3, तो पाई माइनस बॉक्स ऑफ पाई, तो पाई -3, ये आपका फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ पाई हो गया। सिमिलरली फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ -2.7, तो इसको या तो सीधा ये सोच सकते हैं 1 माइनस 0.7 तो 0.3, या फिर इसको सोच सकते हैं कि आपका -2.7 है तो -2.7 से पहले कौन सा नंबर आ रहा है? -3 इंटीजर, तो फिर -3 प्लस 0.3 -3 प्लस 0.3, या फिर -2.7 माइनस ऑफ -3, है ना, तो माइनस ऑफ -2.7 प्लस 3, तो अलग अलग तरीके से सोच सकते हो। फिर इंटीग्रल पार्ट ऑफ -e, तो ये e क्या हो जाएगा? 2.7 समथिंग, है ना, तो -e मतलब कि आप ये वाला नंबर लो -e फिर माइनस इसका बॉक्स ऑफ वो कर दो, है ना। जैसे यहाँ पर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ -2.7 क्या होगा कि -2.7 माइनस फिर बॉक्स ऑफ -2.7, तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस बॉक्स ऑफ x, तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ -e इज इक्वल टू -e माइनस बॉक्स ऑफ -e, तो बॉक्स ऑफ -e मतलब क्या कि -2.7 समथिंग का बॉक्स, तो वो -3, तो माइनस ऑफ -3 मतलब +3, तो -e +3, तो ये सब चीज़ आप लोग सोच सकते हो। फिर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ e, तो e माइनस बॉक्स ऑफ e, तो e -2, तो ये सब अलग अलग एग्जाम्पल हैं, आप लोग सोच सकते हो। एक दो बार प्रैक्टिस करो तो फिर, और जितना प्रैक्टिस करोगे उतना फील डेवलप होना स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर फॉर्मली लिखना है तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? y इज इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, इसको क्या लिख सकते हैं? x माइनस बॉक्स ऑफ x, है ना। तो x अगर 0 से लेके 1 के बीच में ये वाले इंटरवल पे, तो फिर आपका बॉक्स x क्या होगा? बॉक्स x यहाँ पर 0 हो जाएगा, तो x माइनस 0 आपका x, तो ये इंटरवल में फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x क्या हो जाएगा? x। फिर अगर x आपका 1 से लेके 2 के बीच में है तो यहाँ पर बॉक्स x क्या हो जाएगा? यहाँ पर ध्यान से देखो, यहाँ पर क्लोज इंटरवल है। आई होप आप लोग को पता होगा कि अगर हम लोग इस तरीके से लिख रहे हैं कहीं पर a, b ओपन, तो ये वाला जो है स्मॉल ब्रैकेट ओपन इंटरवल डिनोट करता है और ये वाला जो है क्लोज इंटरवल, मतलब कि a इंक्लूडेड है और फिर ये वाला जो b है ये एक्सक्लूडेड है, मतलब b को यहाँ पर इंक्लूड नहीं करना है। ठीक है, तो x अगर 1 से 2 के बीच में है तो फिर क्या हो जाएगा? आपका बॉक्स x 1 हो जाएगा, तो x -1। फिर अगर 2 से 3 के बीच में तो बॉक्स x आपका 2, तो फिर ये फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x x -2। अगर -1 से 0 के बीच में तो फिर आपका -1 बॉक्स x, तो फिर x माइनस ऑफ -1 x +1, फिर -2 है तो x माइनस ऑफ -2 या फिर x +2। तो इसको यूज़ करके हम लोग अब इसका ग्राफ जो है उसको प्लॉट करते हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या देखा कि y को हम लोग क्या लिख सकते हैं? x माइनस बॉक्स x, तो ये पहला रीजन से स्टार्ट करते हैं कि मान लो 0 से लेके 1 के बीच में, तो अगर ज़ीरो है तो ज़ीरो से लेकर वन के बीच में क्या होगा कि ये x माइनस ज़ीरो तो फिर x, तो y इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ कैसे आएगा, y इज इक्वल टू एक्स, ये सीधा है ना, ज़ीरो पे ज़ीरो, 0.5 पे 0.5, फिर ये जाएगा इस तरीके से यहाँ पर, और फिर वन पर जैसे ही जाएंगे हम लोग तो वन पर ये वाला हो जाएगा x माइनस वन, तो x माइनस वन मतलब क्या, वन माइनस वन ज़ीरो, तो वन पर ये फिर से ज़ीरो हो जाएगा, है ना। ये सोच सकते हो कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ वन क्या होगा, ज़ीरो, तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ वन पर ये फिर से ज़ीरो आ जाएगा। फिर जैसे ही हम लोग वन से लेके टू के टू तक जाएंगे तो फिर क्या होगा, x माइनस वन, तो इसको सोच सकते हो वन माइनस वन, एक पॉइंट इसका ज़ीरो हो गया, टू माइनस वन वन, तो फिर लाइन कुछ इस टाइप से होना चाहिए, लेकिन ये वाला पॉइंट जो है इंक्लूड नहीं करेंगे क्योंकि ये ओपन इंटरवल है, तो यहाँ पर मैंने ओपन सर्कल बना दिया। तो यहाँ पर जैसे ही फिर टू आएगा तो फिर x माइनस टू, तो मतलब टू माइनस टू ज़ीरो, फिर टू से थ्री तक, टू माइनस टू ज़ीरो, फिर थ्री माइनस टू आपका वन, तो फिर यहाँ से स्ट्रेट लाइन कुछ इस टाइप से होगा, तो फिर इस टाइप से जो है आप लोग ग्राफ बना सकते हो। नेगेटिव साइड में क्या हो रहा है, तो यहाँ पर क्या सोचना है कि ये आपका क्या हो गया, ये y इज इक्वल टू एक्स था, ये आपका क्या था, y इज इक्वल टू एक्स माइनस वन, ये आपका था y इज इक्वल टू एक्स माइनस टू, ठीक है। अब इसी तरीके से अगर माइनस वन से ज़ीरो के बीच में तो फिर क्या हो जाएगा आपका, ये बॉक्स x क्या हो जाएगा, माइनस वन, तो x माइनस ऑफ माइनस वन मतलब x प्लस वन, तो x प्लस वन प्लॉट करना है, तो फिर माइनस वन पर ये ज़ीरो हो जाएगा और फिर ज़ीरो पे ये वन होगा, वन, लेकिन ज़ीरो इंक्लूडेड नहीं है, तो फिर यहाँ पर ओपन सर्कल, तो स्ट्रेट लाइन कुछ इस टाइप से, तो फिर ये आपका x प्लस वन आ जाएगा। फिर सिमिलरली ये क्या आ जाएगा, x प्लस टू, तो इसको दिमाग में कैसे रखना है कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x पहले तो इस टाइप से होगा, और फिर जो भी पार्ट हम लोग देख रहे हैं, तो ये अगर पॉजिटिव वाला पार्ट देख रहे हैं वन, तो फिर यहाँ पर x माइनस वन, ये टू तो x माइनस टू, ये x माइनस ऑफ माइनस वन तो ये x प्लस वन, फिर x माइनस ऑफ माइनस टू एक्स प्लस टू, तो ये सारे का इंडिविजुअल यहाँ पर इक्वेशन है। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये वाला पार्ट, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस में जो है ये सॉल्व करने में काम आ जाता है। जैसे कि मान लो यहाँ पर कह दिया गया है कि इस टाइप से कोई एक दूसरा ग्राफ है, तो यहाँ पर हम लोग को इंटरसेक्शन मिल गया, तो ये ग्राफ और ये इसका इंटरसेक्शन हम लोग करके फिर एक्स का वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं कि कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है। लेकिन बाद में जब एग्जाम्पल्स देखेंगे तब इस टाइप के क्वेश्चंस देखेंगे, लेकिन अभी के लिए ये ध्यान रखो कि ये सब भी ज़रूरी है कि कौन से इंटरवल में क्या फॉर्म आपका इक्वेशन ले रहा है ना। अब इसका ग्राफ बना लिया तो हम लोग क्या कह सकते हैं, डोमेन, तो डोमेन में क्या करना है, फिर से एक्स एक्सिस पे चेक करो कि कहाँ पर वैल्यू ले रहा है या नहीं ले रहा है। तो इंटीजर लेते हैं तो माइनस थ्री पे ले रहा है, माइनस टू पे मिल रहा है, माइनस वन पे ज़ीरो है ना, ये सारा इंटीजर पर मिल रहा है। नॉन इंटीजर वैल्यू लेते हो कोई भी इंटरवल पर तो वो भी मैप हो रहा है, तो डोमेन क्या हो गया, डोमेन आपका पूरा सेट ऑफ रियल नंबर आर हो गया। अब रेंज आपका क्या है, तो रेंज अगर हम लोग ज़ीरो से यहाँ तक जाते हैं, है ना, ज़ीरो से लेके वन के बीच में, तो हम लोग को प्री इमेज मिल रहा है, मतलब वन के लिए तो प्री इमेज नहीं मिल रहा है, वन के लिए कोई कहीं पर भी फील्ड सर्कल नहीं है, तो वन के लिए प्री इमेज नहीं है, तो इसका रेंज क्या हो गया, रेंज आपका हो गया क्लोज इंटरवल ज़ीरो से लेके यहाँ पर वन, है ना, क्लोज ज़ीरो से लेके वन, ये आपका रेंज हो गया। क्यों, क्योंकि अगर आप लोग यहाँ पर टू लेते हो तो टू के करस्पॉन्डिंग कोई भी आपको प्री इमेज नहीं मिल रहा है ना, तो रेंज आपका ये हो गया ज़ीरो से लेके वन तक, ज़ीरो को इंक्लूड करके वन को एक्सक्लूड करके। रूट, तो रूट वाई आपका कहाँ पर ज़ीरो हो रहा है, तो वाई आपका ये सारे पॉइंट पर जहाँ पर भी एक्स इंटीजर हो रहा है तो फिर वो आपका वाई आपका ज़ीरो हो रहा है। तो इंटीजर, तो नंबर ऑफ़ रूट्स पूछेगा तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ़ रूट्स, क्योंकि इनफाइनाइट नंबर ऑफ़ इंटीजर्स हैं, लेकिन रूट्स अगर पूछे क्या है तो रूट्स आपका पूरा ये इंटीजर हो गया, मतलब कि जहाँ पर भी एक्स इंटीजर हो गया तो फिर वाई आपका ज़ीरो हो जाएगा। मैक्सिमा, मैक्सिमा बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि वन है, लेकिन वन तो ये वैल्यू ले ही नहीं रहा है, तो मैक्सिमा आपका अनडिफाइंड हो गया। मिनिमा, तो मिनिमा यहाँ पर ज़ीरो हम लोग को दिख रहा है कि ज़ीरो मिनिमम वैल्यू ले रहा है, तो मिनिमम हम लोग कह सकते हैं कि ज़ीरो है। पीरियोडिक, पीरियोडिक बिल्कुल है, क्योंकि सेम वैल्यू आपका जो है वो रिपीट हो रहा है। और पीरियड क्या है, फंडामेंटल पीरियड क्या है, वन, मतलब जो वैल्यू आपका यहाँ पर है ज़ीरो पर, सेम वैल्यू आपका वन पर है, या फिर जो भी 0.5 पर होगा वो 1.5 पर होगा, तो पीरियड इसका, फंडामेंटल पीरियड इसका वन हो गया। तो ये सारा फ्रैक्शनल पार्ट का हो गया, ठीक है। तो ये सारा देखिए, खुद से समझिए, अगर कहीं पर कुछ डाउट्स आता है तो कमेंट्स में लिखिएगा। अब नेक्स्ट जो है हम लोग कुछ प्रॉपर्टीज़ देखते हैं ये सारे इंटीग्रल पार्ट और फिर फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन के। तो ये प्रॉपर्टीज़ से क्या होता है कि क्वेश्चन जब आते हैं तो सॉल्व करने में थोड़ा आसानी पड़ जाता है। और प्रॉपर्टीज़ में बहुत सारे आप लोग को बुक्स में मिलेंगे, लेकिन ये थोड़ा सा मेरे को जो लगता है इंपॉर्टेंट हैं वो सारी प्रॉपर्टीज़ मैंने यहाँ पर लिखा है। तो सबसे पहला क्या है, बॉक्स ऑफ एक्स बिलोंग्स टू इंटीजर। तो ये तो हम लोगों ने देख लिया, ये बाई डेफिनेशन ही वही है कि इसका इंटीग्रल पार्ट निकाल के आपको देगा। तो ऑब्वियसली इसका रेंज भी हम लोगों ने देखा था इंटीजर से सारे, तो फिर ये आपका इंटीजर आएगा। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स ये आपका 0 से लेके 1, क्लोज इंटरवल 0, यहाँ पर ओपन इंटरवल ये हम लोगों ने देख लिया था। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स जो है हमेशा 0 से 1 के बीच में होगा, 0 हो सकता है, 1 नहीं होगा। फिर अगर आप लोग बॉक्स ऑफ आई लेते हो, ठीक है, तो इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंटीजर, तो बॉक्स ऑफ मान लो 2, तो ये क्या हो जाएगा 2, है ना, फिर से वही इंटीजर मिल जाएगा। फ्रैक्शनल पार्ट लेते हो तो इसका फ्रैक्शनल पार्ट क्या है 0, तो ये 0। तो ये सब रटने का ज़रूरत नहीं है पूरा बैठ के, ये सब ये है कि आप लोग को लॉजिकली समझ में आना चाहिए, फिर इतना बार यूज़ करोगे, प्रैक्टिस करोगे तो दिमाग में अपने आप सेट हो जाएगा। तो लॉजिकली समझते रहो और फिर लिखते रहो, सारा नोट्स बनाते रहो। तो अब देखो, अब यहाँ पर बॉक्स ऑफ एक्स, तो इसका मतलब क्या है कि मान लो बॉक्स ऑफ में बॉक्स ऑफ 6.2 कह रहा हूँ, ठीक है, तो ये क्या करेगा बॉक्स ऑफ 6.2, तो पहले यहाँ पर 6 दे देगा हम लोग को, तो फिर से क्या आ जाएगा बॉक्स ऑफ 6, तो फिर से 6 आ जाएगा। तो ये क्या था एसेंशियली, ये इक्वल टू बॉक्स ऑफ 6.2 था। तो बॉक्स ऑफ एक्स मतलब क्या है कि सीधा बॉक्स ऑफ एक्स, है ना। आई होप आप लोग को ये समझ में आया होगा, थोड़ा सा सोचिए, समझ में आ जाना चाहिए। अगर हम लोग ये करते हैं फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ बॉक्स ऑफ एक्स, ठीक है, तो फ्रैक्शनल पार्ट में क्या हो जाएगा, बॉक्स ऑफ एक्स तो आप लोग को क्या दे देगा इंटीजर दे देगा, तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ इंटीजर आपका 0 आ जाएगा। अगर हम लोग फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स मतलब कि फ्रैक्शनल इस टाइप से अगर है तो फिर से क्या आ जाएगा फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। फिर से एग्जाम्पल सोच सकते हो, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 6.2, तो ये पहला क्या कर रहा है, ये फ्रैक्शनल पार्ट आपको दे रहा है 0.2, तो 0.2 का फ्रैक्शनल पार्ट फिर से 0.2, तो यहाँ पर सीधा फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स आ जाएगा। और अगर फिर से कॉम्बिनेशन इस टाइप से किए कि बॉक्स ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, तो फ्रैक्शनल पार्ट क्या देगा 0 से 1 के बीच में कोई नंबर देगा, तो फिर वो क्या हो जाएगा 0। तो इसको अगर दिमाग में रखना है तो क्या है, अगर बॉक्स आएगा तो फिर यहाँ पर बॉक्स को हटा सकते हैं, एक बॉक्स हटा सकते हैं, तो बॉक्स ऑफ एक्स आ जाएगा। फ्रैक्शनल आता है तो फ्रैक्शनल को हटा सकते हैं, एक फ्रैक्शनल आ जाएगा, और अगर दोनों का कॉम्बिनेशन आता है तो फिर वो 0। लेकिन लॉजिकली भी समझिए कैसे ये चीज़ हो रहा है। अब ये वाला जो है बॉक्स एक्स, ये या तो एक्स के इक्वल होगा, अगर एक्स इंटीजर है तब तो इक्वल हो गया, अगर एक्स इंटीजर नहीं है तब ये बॉक्स एक्स हम लोग किस टाइप से सोच सकते हैं कि एक्स इज इक्वल टू बॉक्स एक्स प्लस आपका फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, है ना। तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स आपका क्या होगा 0 से लेके 1 तक, तो अगर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स 0 है मतलब इंटीजर है तब इक्वल हो गया, या फिर ये 1 तक जा सकता है ना, विदाउट इंक्लूडिंग 1। तो फिर ये जो बॉक्स एक्स है या तो एक्स हो जाएगा अगर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स 0 है, नहीं तो फिर ये 1 तक जा सकता है ना, मतलब कि x-1 तक जा सकता है। तो ये बॉक्स ऑफ एक्स जो है लेस देन इक्वल टू एक्स होगा, लेकिन ग्रेटर देन x-1, मतलब x-1 के इक्वल नहीं होगा ये, ठीक है, सोचिएगा समझ में आ जाएगा। फिर बॉक्स एक्स प्लस बॉक्स ऑफ माइनस एक्स, तो इसमें क्या होगा, तो मान लो कि ये इंटीजर है, पहले ये आसान केस देख लेते हैं, तो बॉक्स ऑफ 5 प्लस बॉक्स ऑफ -5, तो बॉक्स ऑफ 5 क्या होगा 5, बॉक्स ऑफ -5 क्या होगा -5, तो 5 - 5 0। तो अगर ये इंटीजर है तो फिर ये आपका 0 हो जाएगा, एक्स अगर इंटीजर है तो। अगर इंटीजर नहीं है तो फिर बॉक्स ऑफ 4.2 प्लस फिर बॉक्स ऑफ -4.2, तो बॉक्स ऑफ 4.2 क्या हो जाएगा 4, बॉक्स ऑफ -4.2 क्या हो जाएगा -5, है ना, इससे पहले तो 4 - 5 आपका -1। तो अगर x इंटीजर नहीं है तो फिर ये आपका -1। तो ये जैसे लॉजिकली हम लोग समझ रहे हैं एक छोटा सा एग्जांपल से, तो वैसे ही कभी भी आए तो कर सकते हो। फिर 4-5 बार जैसे यूज़ करोगे, क्वेश्चन सॉल्व करोगे ये सारे बेस पर, तो ये सारे दिमाग में अपने आप सेट होना स्टार्ट हो जाएगा। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ -x, फिर से अगर एक्स इंटीजर है तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 5 क्या होगा 0, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ -5 क्या होगा 0, तो 0 + 0 0, तो अगर इंटीजर है x तो फिर 0। अगर इंटीजर नहीं है तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 4.2 आपका 0.2, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ -4.2 आपका 1 - 0.2, तो 0.8, तो आपको फिर से यहाँ पर 1 मिल जाएगा, ठीक है। तो ये यूजफुल प्रॉपर्टीज़ हैं, कहीं कहीं पर काम आ सकते हैं। फिर बॉक्स ऑफ एक्स प्लस आई, तो यहाँ से लॉजिकली समझो इसको कि हम लोग इंटीजर जोड़ रहे हैं, तो अगर हम लोग इंटीग्रल पार्ट लेना चाह रहे हैं तो उसमें अगर इंटीजर जोड़ रहे हैं तो फिर ये इक्विवेलेंट है कि आप इंटीग्रल पार्ट लो x का और फिर उसमें इंटीजर जोड़ दो, तो दोनों सेम चीज़ होगा। मतलब जैसे एग्जांपल समझो कि बॉक्स ऑफ -3.3 प्लस 2, तो बॉक्स ऑफ -3.3 क्या होगा -4, तो -4 में हम लोग 2 जोड़ रहे हैं, तो -4 प्लस 2 मतलब कि -2, तो ये जो प्लस आई है इसको हम लोग बाहर निकाल सकते हैं, मतलब बॉक्स ऑफ x प्लस आई इज इक्वल टू बॉक्स ऑफ x प्लस आई, ठीक है। अब यहाँ पर ये कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कि बॉक्स ऑफ x प्लस वाई है तो इसको हम लोग बॉक्स ऑफ x प्लस बॉक्स ऑफ y लिख दिया। y अगर इंटीजर है तभी हम लोग उसको निकाल सकते हैं, कोई भी जनरल y के लिए नहीं निकाल सकते, तो ये नॉट इक्वल टू यहाँ पे मैंने लिखा है, ठीक है, तो ये नॉट इक्वल टू है। फिर सिमिलरली अगर i इंटू एक्स है, ठीक है, तो बॉक्स ऑफ i इंटू एक्स, तो दिस इज नॉट इक्वल टू i टाइम्स बॉक्स ऑफ x। जैसे मान लो कि x हमारा 0.5 है तो हम लोग 2 मल्टीप्लाइड बाई 0.5, ये डॉट मतलब कि मल्टीप्लिकेशन, तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 0.5, तो ये क्या हो जाएगा बॉक्स ऑफ आपका 1, तो ये 1 हो जाएगा। लेकिन 2 टाइम्स अगर 0.5 का बॉक्स करोगे तो 0.5 का बॉक्स क्या है 0, तो 2 टाइम्स 0 ये 0, तो ये दोनों इक्वल नहीं है, ठीक है, तो ये सारा गलती नहीं करना है। बस अगर बॉक्स ऑफ एक्स प्लस आई है तो फिर बॉक्स ऑफ एक्स प्लस आई, और इसको क्या समझना है कि इसका इंटीग्रल पार्ट में हम लोग इंटीजर जोड़ रहे हैं, तो या तो पहले नंबर में जोड़ दो इंटीजर फिर उसका इंटीग्रल पार्ट लो, या फिर पहले इंटीग्रल पार्ट ले लो फिर उसमें इंटीजर जोड़ दो। फिर यहाँ पर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस आई, तो ये फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x ही होना चाहिए, है ना, क्योंकि हम लोग इंटीजर जोड़ रहे हैं तो फ्रैक्शनल पार्ट में तो कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x ही आएगा। इसका भी कोई एक सिंपल सा एग्जांपल लेके आप लोग सोच सकते हो। और फिर ये सब चीज़ नहीं करना है कि i इंटू एक्स है तो i को बाहर निकाल दिया, ये सब नहीं करना है, ठीक है। अब और देखते हैं, अगर मान लो बॉक्स ऑफ x इज इक्वल टू सम इंटीजर i कह रहा है, ठीक है, अगर बॉक्स ऑफ x जो है i के इक्वल है तो इसका मतलब क्या है कि x जो है i से लेके i प्लस 1 के बीच में लाई करेगा, है ना, i से लेके i प्लस 1 के बीच में, और i प्लस 1 में ओपन सर्कल, i प्लस 1 नहीं हो सकता है लेकिन i हो सकता है ना। जैसे कि बॉक्स ऑफ x इज इक्वल टू 2 है तो इसका मतलब क्या है x 2 से लेके आपका 3 तक लाई कर सकता है ना, ये इंक्लूडेड और ये एक्सक्लूडेड, तो ये वाला जो रीजन है इसमें लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो बॉक्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू आई मतलब एक्स बिलोंग्स टू आई प्लस 1, आई इंक्लूडेड होगा और आई प्लस 1 ओपन, और ये सारा चीज़ को लॉजिकली समझिए, यानी कि बैठ के रट्टा लगा रहे। बॉक्स ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू आई, ठीक है, तो इसमें क्या कह रहा है कि या तो इक्वल टू आई या फिर ग्रेटर देन इक्वल टू आई, तो फिर आपका एक्स क्या होगा, एक्स या तो आई होगा या फिर आई से बड़ा होगा, कुछ भी, है ना, तो क्लोज इंटरवल आई से लेके इन्फिनिटी तक। तो मान लो कि जैसे बॉक्स एक्स हम लोग कह रहे हैं ग्रेटर देन इक्वल टू 2, ठीक है, तो या तो वो 2 होगा एक्स या तो फिर 2 से वो बड़ा होगा, तो यहाँ पर एक्स क्या हो जाएगा 2 से लेके इन्फिनिटी तक। फिर बॉक्स एक्स स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन आई, तो इसको स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन आई होना पड़ेगा, तो इसका मतलब क्या है कि ये वाला जो रीजन है यही यहाँ पर लाई नहीं कर सकता, तो फिर वो i प्लस 1 से लेके इन्फिनिटी तक, ठीक है। इसको हम लोग इक्विवेलेंट ये सोच सकते हैं कि ये कहना चाह रहा है कि बॉक्स x ग्रेटर देन इक्वल टू i प्लस 1, ठीक है, इसके बारे में सोचिएगा समझ में आ जाएगा, सब कुछ लॉजिकल है कि इक्वल टू i मतलब i से लेके i प्लस 1 के बीच में लाई करेगा, ये सब ध्यान देना है कहाँ पर क्लोज कहाँ पर ओपन। ग्रेटर देन इक्वल टू i मतलब कि i के इक्वल या तो फिर उससे बड़ा, तो मतलब i से लेके इन्फिनिटी तक। फिर अगर स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन आई है मतलब ये वाला रीजन जो है वो भी एक्सक्लूड हो जाएगा, तो बस आई प्लस 1 से लेके इन्फिनिटी तक, ठीक है, तो ये सारा चीज़ है आपके पास। तो ये एग्जांपल है बॉक्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1, तो एक्स कहाँ से 1 से लेके 2 तक, है ना, अगर 1 है तो फिर इक्वल टू 1 है मतलब 1 से लेके 2 तक लाई कर सकता है, क्लोज इंटरवल 1 ओपन इंटरवल 2। फिर अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है तो फिर 1 से लेके इन्फिनिटी तक, ठीक है, और फिर अगर स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 1 है तो फिर 2 से लेके इन्फिनिटी तक, ठीक है, ये सारे प्रॉपर्टीज़ है। अब मान लो इंटीजर नहीं है यहाँ पर, बॉक्स ऑफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6.3, तो 6.3 मतलब क्या कि 6.3 यहाँ पर कहीं होगा, तो बॉक्स x ग्रेटर देन इक्वल टू, तो बॉक्स x 6.3 के इक्वल तो नहीं हो सकता है, तो ग्रेटर देन 6.3 मतलब क्या, ग्रेटर देन इक्वल टू 6.3 मतलब क्या कि ग्रेटर देन इक्वल टू 7, है ना, क्योंकि 6.3 से बड़ा वैल्यू जो बॉक्स एक्स ले सकता है वो क्या होगा 7, 8, 9 ये सब सारा। तो एक्स आपका क्या होगा या तो 7 होगा या तो फिर 7 से बड़ा, तो 7 से लेके इन्फिनिटी तक। तो इसको इक्विवेलेंट ये सोच सकते हैं कि बॉक्स एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 7। ये सब मैं थोड़ा जल्दी जा रहा हूँ, थोड़ा सा सोचिएगा टाइम लेके तो समझ में आ जाएगा। बॉक्स एक्स इज ग्रेटर देन -11, तो स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन -11, तो -11 से बड़ा होना है, तो फिर क्या हो जाएगा -10 से लेके इन्फिनिटी तक है ना, आपका एक्स लाई कर सकता है, तो एक्स बिलोंग्स टू -10 टू इन्फिनिटी। फिर बॉक्स एक्स लेस देन इक्वल टू आई, तो एक लेस देन इक्वल टू आई कह रहा है, तो मान लो कि कोई भी यहाँ पर इंटीजर है आई, तो फिर ये आपका i+1, ये आपका इधर i-1, ठीक है। तो बॉक्स एक्स इज लेस देन इक्वल टू आई, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि ये -∞ से लेके आपका i+1 तक लाई कर सकता है, i+1 को इंक्लूड किए बिना, है ना, मतलब कि ये सारा जितना भी है, और यहाँ पर ओपन सर्कल, तो -∞ से लेके i+1 तक, ठीक है। इसके बारे में सोचिएगा, छोटा सा एग्जांपल लेके समझ में आ जाना चाहिए। अगर स्ट्रिक्टली लेस देन आई बोल दिया गया मतलब क्या कि ये वाला रीजन भी हट जाएगा, मतलब -∞ से लेके आपका बस यहाँ पर आई तक और यहाँ पर आपका ओपन इंटरवल, ठीक है। जैसे एग्जांपल अगर लेना है तो बॉक्स ऑफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू 1 मान लो, तो अगर लेस देन इक्वल टू 1 होना है तो इसका मतलब क्या होगा कि ये जो 2 है तो यहाँ तक लाई कर सकता है, -∞ से लेके यहाँ तक, है ना, ओपन इंटरवल 2, मतलब -∞ से लेके 2 तक, ठीक है। तो इसका अगर बॉक्स एक्स लोगे तो ये क्या होगा लेस देन इक्वल टू 1 होगा आपका, ठीक है। तो ये सारा प्रॉपर्टीज आप लोग एक बार खुद से देखिए, खुद से समझिए, खुद से नोट्स बनाओ, तब फिर समझ में आएगा। और ये वाला पॉइंट जो हम लोगों ने डिस्कस किया था जब फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का ग्राफ बनाया था, कि ये जो इंडिविजुअल पार्ट है इसका हम लोग इक्वेशन लिख सकते हैं। कैसे लिखना है, y इक्वल टू एक्स -1, है ना, यहाँ पर x-2, x-3, x माइनस ऑफ -1 तो x+1 हो जाएगा, फिर x माइनस ऑफ -2 x+2 हो जाएगा। ये सारा चीज़ जो है इम्पॉर्टेंट काफ़ी आ सकता है क्वेश्चन सॉल्व करने में। अब वीडियो को एंड करने से पहले और कुछ 2 छोटा सा जो फंक्शन है उसको देख लेते हैं, फिर आप लोग को एक्सरसाइज प्रॉब्लम मिलेगा। तो एक है सिग्नम फंक्शन, तो जैसे सिग्नम कह रहा है तो यहाँ पर जैसे ये साइन आ गया, है ना, तो ये बस आपका साइन कहता है नंबर का। तो जैसे सिग्नम ऑफ -3.3, तो ये क्या हो जाएगा माइनस मतलब कि -1 ये दे देगा कि नेगेटिव नंबर है। अगर ये 0 है तो फिर आपको 0 मिल जाएगा, अगर ये 3.3 है मतलब पॉजिटिव है तो फिर आपको 1 मिल जाएगा। तो ये बस आपका साइन कह रहा है, इसको हम लोग SGN ऑफ x भी लिख सकते हैं। तो अगर x लेस देन 0 है मतलब क्या नेगेटिव नंबर है तो आपको -1 मिल जाएगा, अगर 0 है तो आपको 0 मिल जाएगा, अगर ग्रेटर देन 0 है तो फिर आपको 1 मिल जाएगा। तो ये बस कह रहा है कि नंबर पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है या फिर 0 है। तो इसका ग्राफ कैसे दिखेगा, अगर x आपका नेगेटिव है तो फिर ये फंक्शन क्या देगा -1 मतलब कि नेगेटिव नंबर है। फिर जैसे 0 हो गया तो यहाँ पर ओपन सर्कल मतलब कि ये पॉइंट इंक्लूडेड नहीं है, 0 पर ये 0 दे देगा। और फिर जैसे ही पॉजिटिव अगर है x तो फिर ये आपका 1 दे देगा। तो ये आपका साइन दे रहा है कि कौन सा साइन है, ठीक है। तो ये आपका सिग्नम फंक्शन हो गया। सिमिलरली मॉड फंक्शन का हम लोगों ने स्टार्टिंग में भी एक क्वेश्चन सॉल्व किया था, तो काफ़ी आसान है। तो मॉड x मतलब क्या कि इसका मैग्नीट्यूड आपको निकाल के देगा, मतलब मॉड ऑफ 3.2 क्योंकि ये पहले से पॉजिटिव है तो फिर यहाँ पर 3.2 आ गया। मॉड ऑफ 0 तो फिर 0, मॉड ऑफ -3.3 तो इसका मैग्नीट्यूड मतलब कि माइनस ऑफ माइनस 3.3 तो वो 3.3 हो जाएगा। तो इसका ग्राफ कैसे दिखेगा कि y=f(x) = mod(f(x)। तो अगर x ग्रेटर देन 0 है, तब तो क्या मिलेगा x मिलेगा आपको, तो x हो गया। अगर 0 है तो फिर 0, और फिर अगर लेस देन 0 है तो फिर -(x)। जैसे मान लो -2 है तो -(-2), 2, ठीक है। तो अगर ग्रेटर देन 0 है तो x, लेस देन इक्वल टू 0 है तो फिर 0, लेस देन 0 है तो फिर आपको y=-x। तो ग्राफ कुछ इस टाइप से दिखेगा। इसको आप लोग इस टाइप से भी सोच सकते हो कि y=x का ग्राफ कैसा होता है, ऐसा होता है। फिर इसका हम लोग मॉड ले रहे हैं तो ये नेगेटिव पार्ट वाला जो है ये उठ के आपका ऊपर आ जाएगा, है ना, ये यहाँ पर वही हुआ है। तो ये मॉडुलस फंक्शन है, काफ़ी यूजफुल फंक्शन है। अब आप लोग को एक्सरसाइज प्रॉब्लम, आज हम लोगों ने जितना भी डिस्कस किया है आप लोग नोट्स बनाओ सारा, कहीं पर डाउट्स होता है कमेंट्स में लिखिएगा, और ये सारा क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कीजिए। ये इधर जो ये तीनों क्वेश्चंस आप लोग देख रहे हो ये आपका जेईई मेंस में पूछा गया था 2019 में। अच्छे क्वेश्चंस ही हैं तो सॉल्व कर लो, तो फिर कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर होते रहेंगे। ये सारा और ये सब में बस बेसिक लिमिट्स का फंडा चाहिए या फिर कहाँ पर कंटिन्यूस है कहाँ पर कंटिन्यूस नहीं है। अगर ग्राफ बना लोगे तब तो डायरेक्टली दिख जाएगा कि कहाँ पर कंटिन्यूस है कहाँ पर कंटिन्यूस नहीं है, नहीं तो तब भी बेसिक आपको लिमिट्स कंटिन्यूटी ये सब का चाहिए या फिर कोई कोई क्वेश्चन में वो सब भी नहीं चाहिए। तो ये तीनों क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर लीजिए, फिर ये आप लोग एज एन एक्सरसाइज लीजिए। ये वाला क्वेश्चन ये IIT में पूछा गया था 1985 में, लेकिन अभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। तो इसमें क्या कह रहा है, अगर फंक्शन f(x) है साइन ऑफ बॉक्स एक्स बाई बॉक्स एक्स व्हेन बॉक्स एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो एंड दिस फंक्शन इज इक्वल टू जीरो व्हेन बॉक्स एक्स इज इक्वल टू जीरो, तब फिर आपका लिमिट क्या होगा f(x) एज x टेंस टू जीरो। बॉक्स एक्स डिनोट्स ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। और एक चीज़ ये ध्यान रखना है कि जब भी क्वेश्चन में आपको बॉक्स एक्स दिया रहेगा तो अगर वहाँ पर स्पेसिफिकली लिखा गया है कि बॉक्स ऑफ टी डिनोट्स द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू टी, फिर दिस डिनोट्स द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, तो तभी ये जो बॉक्स है इसको हम लोग इस तरीके से ट्रीट करेंगे कि ये ग्रेटेस्ट इंटीजर रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया गया है कि दिस डिनोट्स ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, तो वो सिंपल बिग ब्रैकेट भी हो सकता है ना। तो ये नहीं कि जहाँ पर बिग ब्रैकेट दिखा तो वहाँ पर ग्रेटेस्ट इंटीजर समझ गया उसको। स्पेसिफिकली क्वेश्चन में जब मैंशन किया रहेगा तभी आपको बॉक्स एक्स लेना है। तो ये सारे क्वेश्चंस तो हर कोई सॉल्व करो। फिर ये वाला क्वेश्चन भी सोचो, ये वाला एज सच मतलब कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं है, ये बस मेरी तरफ से आप लोग को एक्सरसाइज प्रॉब्लम है कि बॉक्स ऑफ एक्स स्क्वायर के बारे में सोचोगे तब फिर ये वाला फंक्शन जो है कैसा दिखेगा आप लोग को। तो ये वाला प्लॉट करने का कोशिश कीजिए। फिर ये वाला अगर आप लोग कर लेते हो बॉक्स ऑफ एक्स स्क्वायर को प्लॉट, तब फिर ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। ये वाला जेईई एडवांस्ड का क्वेश्चन है 2016 का, 1 और मोर देन 1 करेक्ट, मतलब कि एक भी ऑप्शन सही हो सकता है या फिर चारों ऑप्शंस भी सही हो सकते हैं या फिर मतलब कि या तो एक से ज़्यादा, 1 और मोर देन 1 करेक्ट। तो ये सारा चीज़ है। अब देखो, अब जो लोग जेईई मेंस का स्पेसिफिकली तैयारी कर रहे हैं उन लोग को भी ये वाला क्वेश्चन मेरे हिसाब से ट्राई करना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चन एज सच एक तो आपको पता चलेगा कि जेईई एडवांस में भी कुछ बहुत ज़्यादा अलग मैथमेटिक्स नहीं पूछा जाता है, मैथ्स वही है, बेसिक कॉन्सेप्ट्स वही है। इसमें बस क्या किया है, दो क्वेश्चन को कंबाइन करके एक क्वेश्चन बना दिया गया। तो मान लो मुझे इस क्वेश्चन से जेईई मेंस में क्वेश्चन पूछना है, तो मैं क्या करूँगा, बस ये वाला जो पार्ट है कि f(x) इज इक्वल टू बॉक्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3 और f का ये फंक्शन इस तरीके से डिफाइंड है, फिर मैं पूछ दूंगा कि ये मेरा फंक्शन हो गया तो f कहाँ पर डिसकंटिन्यूस है वो निकाल लो। तो वो जेईई मेंस का क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। तो इस टाइप से आप लोग अगर सॉल्व करोगे जेईई एडवांस का भी तो जेईई मेंस में भी जो है आप लोग को फ़ायदा मिलेगा। जैसे मैंने यहाँ पर बता दिया, अगर इससे मेरे को क्वेश्चन बनाना है जेईई मेंस के लिए तो बस इसको मैं दो पार्ट में ब्रेक कर दूंगा ये क्वेश्चन को, और एक पार्ट जो है वो जेईई मेंस में डाल दूंगा क्वेश्चन, तो वो जेईई मेंस का अच्छा क्वेश्चन बन जाएगा। तो इसी तरीके से अगर आप लोग देखोगे तो जेईई एडवांस्ड में भी कुछ अलग मैथ्स नहीं है, मैथ्स वही है, बेसिक मैथ्स वही है, बस आप लोग को थोड़ा सा और ज़्यादा सोचना पड़ता है कि अलग अलग तरीके से सेम चीज़ को कैसे सोचा जाए या फिर मिक्स कैसे करना है कॉन्सेप्ट्स को, ये सब सारा। और मोस्टली इस टाइप के क्वेश्चंस रहते हैं कि दो क्वेश्चन को कंबाइन कर दे तो एक बड़ा सा क्वेश्चन बन गया। तो ये क्वेश्चन आपका ऑब्वियसली पूरा क्वेश्चन जेईई मेंस में नहीं आएगा, लेकिन इसका कोई एक पार्ट पूछा जा सकता है। और जब भी मैं कहता हूँ कि प्रीवियस ईयर सॉल्व करो, तो प्रीवियस ईयर सॉल्व करने का मतलब ये नहीं है कि ये क्वेश्चन लिया, एक क्वेश्चन इसका सोल्यूशन देख लिया और फिर बस हो गया। ये क्वेश्चन अगर मैं सॉल्व करने गया तो फिर अगर मेरे को ये बॉक्स ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का फंडा नहीं पता है तो पहले मैं जाके ग्रेटेस्ट इंटीजर का पढ़ूंगा कि ग्रेटेस्ट इंटीजर होता क्या है। फिर जैसे ही ग्रेटेस्ट इंटीजर पढ़ लिया तो फिर फ्रैक्शनल पार्ट भी उसी के साथ है, तो फ्रैक्शनल पार्ट का भी कॉन्सेप्ट मैं पढ़ लूँगा। और फिर यहाँ पर मॉड है, तो अगर मॉड नहीं पता है तो मॉड भी जाके मैं पढ़ लूँगा। तो जेईई एडवांस्ड या फिर जेईई मेंस का जब मैं कहता हूँ कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करो, तो उसका मतलब ये है कि उसमें जितना भी कॉन्सेप्ट यूज़ हो रहा है वो सारा कॉन्सेप्ट जो है आप लोग समझ लो और फिर उसका एक नोट्स बनाते रहो साथ में, ठीक है। तो उससे जो है आपका पूरा सिलेबस भी कवर हो जाएगा और फिर क्वेश्चन सॉल्व करने का प्रैक्टिस भी हो जाएगा, ठीक है। तो इसके साथ बहुत बहुत धन्यवाद। और प्लीज़ जो लोग भी ये सब बोलते हैं कि PDF दे दो, तो PDF दे के कोई फ़ायदा नहीं होगा आप लोगों का। आप लोग ये देखो कि वीडियो जो आप लोग देख रहे हो तो फिर उससे आप लोग मैक्सिमम कैसे एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। तो पेन और पेपर लेके बैठो, हमेशा कॉपी लेके नोट्स बनाते रहो। क्वेश्चन जहाँ पर सॉल्व करने बोला गया है तो फिर वीडियो को पॉज करो, वो क्वेश्चन को सॉल्व करो, फिर ये एक्सरसाइज प्रॉब्लम्स ये सब जो मैंने दिया है तो ये सारे एक्सरसाइज प्रॉब्लम सॉल्व करो। आंसर कमेंट्स में लिखना, अगर सबका आंसर नहीं भी आता है तो जितना आता है, जितने क्वेश्चंस का आता है वो उतने क्वेश्चंस का आंसर लिखो, जो नहीं आता है वो लिख दो कि ये मेरे से नहीं बना, ठीक है। या फिर कहाँ तक बना, कहाँ पर कन्फ्यूजन हो रहा है, ये सारा कमेंट्स में लिखिए। तो जब तक बैठ के मेहनत नहीं करोगे प्रॉपर, आप लोग पेन और पेपर लेके, तो फिर नहीं होने वाला है। ठीक है, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं मुझे आईआईटी जाना है, आईआईटी जाना है, लेकिन मैं जाना चाहता हूँ, लेकिन उसके लिए पहले मेहनत करो, आप लोग मेहनत करो, प्रिपरेशन अच्छा करो, फिर होगा नहीं होगा वो सब बात का बात है। तो आप लोग बस प्रोसेस पर ध्यान दो। और जितनी भी आप लोग वीडियो से पढ़ाई कर रहे हो यूट्यूब से या फिर कहीं पर भी, तो ये नहीं कि बस वीडियो सुनते गए और फिर आगे निकलते गए, तो उससे आपका कोई फ़ायदा नहीं होगा। आपका फ़ायदा तभी होगा जब आप पेन पेपर लेके बैठ रहे हो, लिख रहे हो, सब कुछ सारा क्वेश्चन खुद से सॉल्व कर रहे हो, तभी आपका फ़ायदा होगा, नहीं तो फिर आपका कोई फ़ायदा ज़्यादा होने वाला है नहीं। तो इसके साथ बहुत बहुत धन्यवाद और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।